हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया, कब आया और कैसे आया। और दोस्तों, जब से मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट किया वहां से लेकर मेरा फर्स्ट पेमेंट आने तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर क्या क्या प्रोसेस किए, मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब मैं कोई वीडियो बनाता था तब मेरे फ्रेंड्स मुझे क्या बोलते थे, मेरे एरिया के जो लोग हैं उन्होंने मुझे क्या क्या बोला, क्या क्या मैंने सुना और किस प्रकार से है। जो मैंने अपने YouTube चैनल पर जब से चैनल क्रेडिट किया वहाँ से लेकर फर्स्ट पेमेंट आने तक मैं अपने YouTube चैनल पर मेहनत करता रहा, यानी किसी की भी बातों में नहीं आया और डिमोटिवेट नहीं हुआ। तो ये सब है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो अभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी ऑलराउंडर वीडियो ग्रुप ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने 1 मई 2018 को अपना यूट्यूब चैनल क्रेडिट किया और उसी दिन है जो मैंने अपने चैनल पर अपनी एक वीडियो अपलोड कर दी थी। मेरा खुद का कंटेंट था, वीडियो मैंने खुद ने बनाई थी, दूसरों का कंटेंट नहीं था उस वीडियो के अंदर। जैसी भी टूटी फूटी वीडियो बनी उस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 1 मई को, यानी जिस दिन चैनल बनाया उसी दिन मैंने उस वीडियो को अपलोड कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन भी मैंने एक वीडियो बनाई मेरे खुद के कंटेंट वाली और उसको भी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने उन दोनों वीडियो को एक साथ मेरे फ्रेंड्स को शेयर किया। तो जैसे ही दोस्तों मैंने शेयर किया तो 5-10 मिनट के अंदर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, 2-3 फ्रेंड्स ने मुझे कॉल कर दिया और वो बोलने लगे कि क्या यार, तू ये फालतू का काम कर रहा है, इन कामों में कुछ मतलब नहीं है, यूट्यूब से कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अगर तू ऐसी वीडियो बनाएगा तो तुझे पैसा नहीं मिलेगा, कोई दूसरा काम धंधा पकड़ ले, फालतू के काम मत कर, क्यों टाइम पास कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इतना सब कुछ मुझे बोलने लगे, यानी कि दोस्तों वो मुझे डीएक्टिवेट डीमोटिव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आया और मैं अपनी मेहनत है जो रेगुलर करता रहा, यानी मैं यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों मैंने लगभग 1 महीने तक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी, यानी 1 महीने में मैंने लगभग 20-25 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी थी। उसके बाद दोस्तों मेरे 15 दिन तक एग्जाम चल रहे थे और मैंने 15 दिन तक यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का काम बंद कर दिया था। जैसे ही मैंने एग्जाम की वजह से अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था तो मैं जहाँ कहीं भी जाता था मेरे फ्रेंड्स और मेरे एरिया के जो लोग हैं वो मुझे बोलते थे, क्या है भाई, तूने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं कि अब तू यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड नहीं करता, यानी वीडियो बनाने के लिए इधर उधर भी नहीं जाता है। मेरे छोटे भाई को भी बोलते थे कि तेरे भाई ने क्या बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं क्या यूट्यूब से, अब वो वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आता, इस जगह पर नहीं आता है। यानी दोस्तों वो मेरी हंसी उड़ाते थे, मुझे डीएक्टिव और डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मैंने किसी की भी बात नहीं सुनी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर मेहनत करता रहा, यूट्यूब चैनल पर एक्टिव रहा, रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहा और मैंने ऐसे ऐसे करके अपने यूट्यूब चैनल पर 2 महीने में लगभग 30-40 वीडियो का कलेक्शन कर लिया था। और उसके बाद जब मैंने एक दिन अपने चैनल को ओपन किया तो यूट्यूब ने मेरी एक वीडियो को वायरल कर दिया था। यानी दोस्तों जब मैंने सुबह उस वीडियो को देखा था तो उसके ऊपर 500 व्यूज ही थे और जब मैंने शाम को उस वीडियो को देखा तो उसके ऊपर 2000 व्यूज हो गए थे। तब मैं समझ गया था कि YouTube ने मेरी इस वीडियो को वायरल कर दिया है। तो दोस्तों 10 दिन के अंदर है जो उस वीडियो के अंदर लगभग 1 लाख व्यूज हो गए थे, वो 5 मिनट की वीडियो थी और उसी वीडियो की वजह से मेरे चैनल का जो वॉच टाइम है वो भी कम्प्लीट हो गया था। फिर दोस्तों जैसे ही मेरे चैनल का वॉच टाइम कम्प्लीट हुआ और 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो गए तो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में चला गया और 2 या 5 दिन के अंदर मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो गया था। लगभग 2 या 3 फरवरी को मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया था। उसके बाद फरवरी महीने के जितने भी डॉलर है वो मार्च महीने की 12 तारीख को मेरे एडसेंस अकाउंट के अंदर आ गए थे और उसके बाद लगभग 17 या 18 तारीख को मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट का वेरिफिकेशन पिन भी मिल गया था। फिर मैंने उस वेरिफिकेशन पिन को अपने गूगल एडसेंस अकाउंट के अंदर एंटर किया और वहाँ पर बैंक अकाउंट भी ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो फरवरी और मार्च महीने का मेरा जो पेमेंट था, मेरे जो डॉलर थे वो $100 से कम थे, इस कारण से अप्रैल महीने में मुझे पेमेंट नहीं मिला। क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट है जो, उसके अंदर अगर $100 कम्प्लीट होते तभी आपको पेमेंट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों फरवरी मार्च और अप्रैल महीने का जब पेमेंट, तीनों महीने के जब मैंने पेमेंट ऐड किए तो मेरा पेमेंट $100 से ज़्यादा हो चुका था। यानी जो $100 से जब ज़्यादा होता है तो आपको जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो 21 तारीख को मुझे फरवरी मार्च और अप्रैल महीने का पेमेंट, 21 मई को मुझे मार्च अप्रैल और फरवरी महीने का पेमेंट है जो ट्रांसफ़र कर दिया था और 24 तारीख को मेरे पास है जो पेमेंट आ गया था। लगभग 2-3 दिन पहले ही मेरे पास पेमेंट आया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। इसी कारण से दोस्तों आज मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं अपने YouTube के जो फर्स्ट पेमेंट है वो आपको बता सकूँ कितना आया। तो दोस्तों मेरा जो सफ़र है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है, जब से मैंने YouTube चैनल क्रेडिट किया वहाँ से लेकर
फर्स्ट पेमेंट आने तक मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे क्या बोला, मैंने क्या सुना, मेरे एरिया के लोगों ने मुझे क्या बोला, ये सब है जो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज अब हम फाइनली बात कर लेते हैं मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया। तो गाइज मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता हूँ कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया, इसलिए मैं आपको इशारों में बताऊंगा, यानी पासवर्ड कोड के रूप में बताऊंगा, आप समझ जाना कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट जितना आया उससे मैं रेडमी नोट 7 दो मोबाइल फ़ोन आसानी से खरीद सकता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑलराउंडर वीडियो ग्रुप को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो करें, हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी ऑलराउंडर वीडियो ग्रुप ही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।